राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के निमित्त 21 जून 2023 को मुझे हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसी के तहत मैं मेरी जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते निभा रहा हूं। इसके पूर्व सितंबर 2022 में पार्टी का नेशनल एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में के बाद पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष के नाते, क्योंकि ये पोस्ट पहले नहीं थी, मुझे नियुक्त किया गया था और उस अधिकार के अंतर्गत मैंने कई हमारे संगठनात्मक जो नियुक्तियां थी वो करने का काम किया था। खास करके क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में और अनेक राज्यों में, बल्कि हर राज्य में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो चुनाव पार्टी के होने चाहिए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे रूल्स में है कि पार्टी के चुनाव हर कुछ समय 3 साल के मर्यादा में ये होने चाहिए। और क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव हुए नहीं थे तो जो पहले के जो पदाधिकारी थे उनको तत्काल कुछ कंटिन्यूटी के लिए चार्ज हमने फिर से दिया था, जिसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी हमने श्री जयंत पाटिल को दी थी। उस जिम्मेदारी को आज तक हमने उनको वो करने का मौका दिया, लेकिन अभी मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है और वो पत्र उनको मैं अभी यहाँ पर आप सभी के सामने देने वाला हूँ। साथ साथ में श्री सुनील तटकरे जी अभी इसमें आगे के भी जो पार्टी के जो संगठनात्मक जो नियुक्तियाँ हैं, चेंजेस है, वो कर सकते हैं और इसी के तहत वो महिला की अध्यक्षा हो, चाहे यूथ के हो या अनेक जो हमारे जो संगठनात्मक जो घटक है और साथ साथ में जो हमारी जो और सेल और बाकी इकाइया है उसकी महाराष्ट्र में वो उस प्रकार की नियुक्ति करेंगे। इसके पहले हमने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को कल सूचित किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा के जो संसदीय हमारी विधि मंडल जो पार्टी है इसके नेता श्री अजीत पवार चुने गए हैं और उसके साथ साथ क्योंकि ये नियुक्ति पार्टी करती है और पार्टी के नाते मैंने विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र द्वारा सूचित किया है। साथ साथ में हमने जो व्हिप होता है, व्हिप के नाते पार्टी व्हिप अपॉइंट करती है, इसलिए श्री अनिल भाईदास पाटिल जो हमारे व्हिप पहले भी थे उनको हमने फिर से महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा के प्रतोद व्हिप के नाते उनको फिर से नियुक्त किया है। तो ये महत्व की जो हमारी संगठनात्मक जो प्रक्रिया है इसको हमने अभी यहाँ तक हमने पूरी की है। आगे जैसे जैसे हमारे को जो भी संगठनात्मक कार्रवाई करनी होगी ये हम आगे आपको समय समय पर सूचित करेंगे।